अधिकार। मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन बेटमा द्वारा बेटमा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास में दूर दूर से आकर पढ़ रहे गरीब बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया गया। संस्था के पदाधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ठाकुर ने बच्चों को अपनी ओर से टूथपेस्ट दिए। वहीं संगठन के तहसील अध्यक्ष केशव शर्मा ने मानव के अधिकारों व समाज सेवा कार्यों से संबंधित बातें बताई। इस अवसर पर पत्रकार राजेंद्र सूर्यवंशी, अनिल मुनिया, फिरोज खान, छात्रावास के शिक्षक कैलाश तिवारी, संस्था के अमित शारदा, सुजय घोरपड़े सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि ह्यूमन राइट्स एवं क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बेटमा मानव अधिकार को लेकर हर समय सजग रहता है, साथ ही उनकी समस्याओं को दूर भी करता है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हमारी मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन संस्था की ओर से आज बेटमा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास में 70 बच्चों को कॉपी वितरण एवं डॉक्टर सत्यपाल सिंह ठाकुर डेंटिस्ट डॉक्टर है तो उनकी ओर से टूथपेस्ट वितरण किए गए तथा एवं चेकअप के लिए निःशुल्क भी कहा गया है। और हमारे दिवाली जी सर का बहुत बहुत उनको भी बधाई होगी जो पुराने छात्रावास अच्छे छात्रावास में लाने के लिए और मानव सेवा फर्म हो जाए। बच्चों को बुक्स और पेस्ट और पेन बांटा गया, जिन बच्चों को ज़रूरत थी उनको दिया गया। कहाँ पर दिए गए सर? बेटमा हॉस्टल में छात्रावास अनुसूचित जनजाति छात्रावास में बांटा गया। कितने बच्चों को बांटा गया है? करीबन 70 बच्चों को बांटा गया। अच्छा, ये आयोजन आप पहली बार किया है या पहले भी? हम पहले भी करते आ रहे हैं, छोटी मोटी सेवाएं देते आ रहे हैं, पर आज हमें ज़्यादा सर तिवारी सर का साथ मिला तो बेटमा में आके छात्रों को निःशुल्क पेस्ट और बुक्स और पेन दिए गए ताकि उनका उज्ज्वल भविष्य।